आशा दुबे इंसाफ की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर फेरते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित बेल्डी चर्च में आयोजित वार्षिक आम सभा को पूर्व कमेटी सदस्यों के विरोध के कारण स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि ईसाई सर्विस सोसाइटी द्वारा संचालित बिष्टुपुर बेल्डी चर्च का वार्षिक चुनाव का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज आम सभा होना था जिसमें पूर्व कमेटी सदस्यों ने अपने विरोध प्रकट करते हुए हंगामा किया। इनका कहना था प्रत्येक वर्ष चुनाव होना है लेकिन वर्तमान अध्यक्ष अपने स्वार्थ के लिए वहुनव नहीं कर रहे हैं। साथ ही यह आरोप भी लगाया गया कि कमेटी फंड से 8 लाख रुपए किसी सरकारी अधिकारी को देने का जिक्र कर पैसा का घोटाला किया गया है जिसका लेखा जोखा स्पष्ट रूप से नहीं की जा रही है। इसके अलावा अन्य कई गड़बड़ियों के बावजूद आम सभा बुलाई गई थी जिसे नहीं होने दिया गया। सदस्यों ने मांग की है कि पहले पैसों का हिसाब देना होगा फिर ही चुनाव किया जाएगा। वही वर्तमान अध्यक्ष का तर्क है कि विरोध करने वाले लोगों की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। रुकिए, दो मिनट। बेल्डी बैप्टिस्ट चर्च की वार्षिक आम सभा होने का था जिसे COVID-19 के दिशा निर्देशों के तहत इसको आज पोस्टपोन्ड किया गया है। भविष्य में स्थिति नॉर्मल होते ही यथाशीघ्र वार्षिक आम सभा बुलाई जाएगी और जो भी हमारे चर्च के स्कूल के जो फाइनेंशियल्स हैं वो सब सबमिट किए। चर्च एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से आज कोई भी सभा नहीं बुलाई गई है। कुछ लोग हैं बांधा डाल रहे हैं इसमें। जो भी सदस्य अंदर बैठे हैं उनकी संख्या नहीं है, बहुत नगण्य है। 30-40 सदस्य बैठे हैं उसमें ऐसे भी सदस्य हैं जो हमारे चर्च के सदस्य नहीं हैं जिनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है और 2-3 सदस्य हैं जो निलंबित हैं। इसीलिए उस सभा का हम महत्व नहीं देते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप है, प्रदीप कुमार अध्यक्ष। मामला ये है कि प्रत्येक वर्ष यहाँ एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होती है, ये सदियों से चला आ रहा है। इस बार 28 तारीख को ये मीटिंग शेड्यूल हुआ था मगर जो कमेटी है इनसे कुछ सवाल जवाब हम लोग को करना था, जैसे कि DVR चोरी हुआ था, उसके बाद यहाँ पर 8.5 लाख रुपये का कैश सही तरीके से मिल नहीं रहा है, तीसरी चीज़ है 60,000 रुपये का कैश में भी कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके बाद मिस्टर प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर ही इसने SDO को चिट्ठी लिखा था कि प्रत्येक वर्ष यहाँ इलेक्शन होना चाहिए और जैसे ही माननीय SDO का ट्रांसफ़र हुआ इन्होंने अपना रूप बदल दिया और बदल के इन्होंने क्या किया, 2 साल का कमेटी जबरन चलाया। इसका अपोज करने के लिए हम सब आज हैं और इनसे अकाउंटेबिलिटी लेना चाह रहे हैं कि आपने ये पैसा सब कहाँ भेजा, कैसे किया, किस किस को पैसा आपने बांटा है। प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि आप सदस्य है ही नहीं, आप कैसे आरोप? मैं यहाँ का कस्टोडियन हूँ, लिखिए आप, और मेरे पास में जो डॉक्यूमेंट है हम इसको व्हाट्सअप करते हैं आपको। मैं यहाँ का कस्टोडियन हूँ, ये प्रॉपर्टी जो है ये पेरेंट बॉडी का है, पेरेंट बॉडी जिसको ये लोग गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। ये क्रिश्चियन सर्विस सोसाइटी जो है उसी का अंडर में ये चर्च आता है। इसके ज़्यादा डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको देंगे डॉक्यूमेंट। क्या नाम हुआ आपको? मेरा नाम है नोवेल लुकस। प्रेजेंट में भी क्या है? मैं प्रेजेंट में कस्टोडियन हूँ इस कैंपस का, इसका देख रेख करना हमारा काम है और इसका रिपोर्टिंग करना है। दूसरी बात है कि मैं यहाँ का बाय बर्थ बोनाफाइड मेम्बर हूँ। मैंने यहाँ ऑब्जेक्शन किया था जो कंस्ट्रक्शन हुआ था और यहाँ पर 8,35,000 रुपया किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को देने की बात कही थी तो मैंने उसका ऑब्जेक्शन किया था तो इन लोगों ने मिल के मेरे को मेंबरशिप हटा दिया। 8,35,000 रुपया का मैं कितने बार चिट्ठी लिखाऊँ कि आपने किस गवर्नमेंट ऑफिसर को दिया था? ये है मुद्दा जहाँ पर ही गलत काम हो रही है, जो भी आवाज उठाता है उनको चर्च से बाहर कर दिया जाता है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही संपन्न होता है। अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।